बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट किया था, जिसमें हमने कहा था कि ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, यानी जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव है। तो हम उसका एज जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, सेम वैसे हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आज के केस में क्या है कि ओनली वन टर्म ऑफ डेरिवेटिव एंड नो अदर टर्म इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी एक ही जगह पे डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो इन्वॉल्व होगा, बाकी कहीं भी डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व नहीं होगा, ना उसका डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा कहीं, यानी पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में जस्ट एक डेरिवेटिव वाली टर्म आएगी। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो डेरिवेटिव जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट हो, वो मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट भी हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि हम जस्ट जिसके रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है वो हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। एग्जाम्पल है, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल 3u ओवर पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल y, यानी यहाँ पे ये ट्रिपल डेरिवेटिव है u का, u यहाँ पे क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x और y है, x के रिस्पेक्ट डबल डेरिवेटिव है और y के रिस्पेक्ट सिंगल डेरिवेटिव है, प्लस 18xy स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 2x माइनस y इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखें, तीन डेरिवेटिव हैं, x के रिस्पेक्ट दो हैं और एक y के रिस्पेक्ट है, तो हम दो बार इसको x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आप किसके रिस्पेक्ट पहले करें या किसके रिस्पेक्ट बाद में करें, आप किसी फंक्शन के भी रिस्पेक्ट पहले कर सकते हैं और किसी भी फंक्शन के रिस्पेक्ट बाद में कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेटिंग वन विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट जो डेरिवेटिव था वो खत्म हो जाएगा, पार्शियल स्क्वायर u बाई पार्शियल x स्क्वायर। अब इसका y के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव क्या बनेगा, वाई क्यूब बाई सिक्स, वाई क्यूब बाई थ्री बनेगा। तो थ्री से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या रह जाएगा, सिक्स एक्स वाई क्यूब, क्योंकि x में एज अ कॉन्स्टेंट हम लेंगे। और यहाँ पे ये देखें, साइन का डेरिवेटिव क्या बनेगा y के रिस्पेक्ट, पहले तो इसका डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव कॉस 2x माइनस वाई, फिर आगे एंगल के डेरिवेटिव से हमने डिवाइड करना होता है, तो एंगल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, माइनस वन, तो वो माइनस से फिर प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ 2x माइनस वाई। और राइट साइड पे क्या है, हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे, यानी जीरो के इंटीग्रेशन क्या होगा, सम कांस्टेंट, और यहाँ पे क्या होगा कि हम कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन ऐड करेंगे, और हम वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे आर्बिट्रेरी फंक्शन जो होगा वो एक्स का हम ऐड करेंगे, क्योंकि एक्स यहाँ पे हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। अब देखें कि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, बाकी और कहीं भी ना डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है ना उसका कहीं डेरिवेटिव आ रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, जस्ट x के रिस्पेक्ट दो बार इसको इंटीग्रेट करेंगे। नाउ इंटीग्रेटिंग ट्वाइस विद रिस्पेक्ट टू x, पहले इंटीग्रेट करेंगे पार्शियल u बाई पार्शियल x, यहाँ पे x की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स स्केयर बाई टू, तो सिक्स से सिक्स को जब हम टू से डिवाइड करेंगे तो थ्री एक्स स्केयर वाई क्यूब रहेगा, कॉस की इंटीग्रेशन साइन ऑफ टू एक्स माइनस वाई, और एंगल के डेरिवेटिव से हम डिवाइड करेंगे, यानी डिनोमिनेटर में टू आएगा, इज इक्वल टू इंटेग्रल, यानी अब इसकी हमें नहीं पता ये कौन सा फंक्शन है, तो एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो जस्ट इंटीग्रेशन लिख दी, इंटेग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और अब हम एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो ऐड होगा वो कोई वाई का फंक्शन ऐड होगा, अगेन इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे यू बचेगा, इसका इंटीग्रेशन बनेगी एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स स्क्वायर की एक्स क्यूब बाई थ्री, वाई क्यूब कॉन्स्टेंट होगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस साइन की इंटीग्रेशन, अब नेगेटिव कॉज ऑफ टू एक्स माइनस वाई, और एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, टू, वो इस टू से जब हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर फोर हो जाएगा। राइट साइड पे क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स की पहले भी इंटीग्रेशन हो रही है, एक और इंटीग्रेशन करनी है हमने, तो जाहिर है वो आएगा कोई एफ एक्स का ही फंक्शन, यानी एक्स के रिस्पेक्ट जब हमने इंटीग्रेशन करनी है तो कोई एक्स का ही फंक्शन आएगा, तो उसको मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया, कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डिनोट कर दी कि ये डबल इंटीग्रल है एफ ऑफ एक्स डी एक्स स्क्वायर का, क्योंकि डबल इंटीग्रल इसलिए मैंने डी एक्स स्क्वायर लिखा। जी ऑफ वाई यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, इसकी इंटीग्रेशन एक्स आएगी, एक्स जी ऑफ वाई, और एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम और ऐड करेंगे, उसका फंक्शन मैंने एच ऑफ वाई से डिनोट कर दिया। अब यहाँ पे हम जस्ट यू की वैल्यू निकालना चाहें तो ये प्लस की टर्म राइट पे जाकर माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की राइट पे जाकर प्लस की हो जाएगी, तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन को हम यू ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसका मतलब होता है कि फंक्शन क्या है, एक्स और वाई वेरिएबल पर कंसिस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पार्शियल स्क्वायर यू बाई पार्शियल एक्स पार्शियल टी इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टी। अब यहाँ पे भी देखें, एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म है और उसी का डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, वो दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और टी के रिस्पेक्ट हैं, और इसमें यह है कि हमें इनिशियल कंडीशन भी दी हुई है। पिछले में तो ये था कि ना हमने
जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड किए थे वो हमने एज इट इज लिख दिए, लेकिन जब हमें ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम इनको इलिमिनेट कर सकते हैं अगर हमें बाउंड्री कंडीशंस गिवन हो। अब यहाँ पे ये हमें इनिशियल कंडीशन मिली हैं तो इनको हम यूज़ करते हुए जो इसमें हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे वो हम इलिमिनेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले आप एक्स के रिस्पेक्ट या टी के रिस्पेक्ट किसी भी रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो मैंने सबसे पहले टी के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन की, तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, एक्सपोनेंशियल टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये एक्सपोनेंशियल टी ही आएगी और यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो ऐड करेंगे वो एक्स का फंक्शन होगा क्योंकि हम टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करने लगे हैं, यू इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, ये एक्स के रिस्पेक्ट एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे इसको, इसकी इंटीग्रेशन बनेगी एक्स एक्सपोनेंशियल टी, इसकी इंटीग्रेशन हमने वैसे लिख दी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और एक्स के रिस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे टी कॉन्स्टेंट होगा तो हम जो कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करेंगे वो कोई टी का फंक्शन होगा, उसको मैंने जी ऑफ टी से डिनोट कर दिया, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं यू ऑफ एक्स टी, यानी यू क्या है एक्स और टी का फंक्शन है, एक्स एक्सपोनेंशियल टी इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स डी एक्स को मैंने, ये भी कोई एक्स का फंक्शन बनेगा ना, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट कर दिया और जी ऑफ टी को हमने एज इट इज लिख दिया। अब अगर हमें इनिशियल कंडीशन नहीं मिलती तो ये क्या है, ये एक सोल्यूशन है, इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन इन्वॉल्व है तो ये यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, यानी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन वी हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सोल्यूशन, लेकिन हमें अब इनिशियल कंडीशन गिवन है उनको जब हम यूज़ करेंगे तो हमें क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो पहले एक इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हैं फिर दूसरी करेंगे। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन, पहले मैंने ये अप्लाई की यू एट जीरो टी इज इक्वल टू वन प्लस कॉस टी, यानी एक्स की जगह जीरो कर दिया और वाई की जगह टी है, इसमें x की जगह जीरो की ये फंक्शन जीरो हो गया, ये f ऑफ जीरो, यहाँ पे इसको नहीं जीरो कर सकते, यहाँ पे क्या है कि फंक्शन है f ऑफ x, कोई x का फंक्शन होगा, मैं नहीं पता वो कौन सा फंक्शन है, उसमें इनपुट क्या है, इनपुट की जगह हमने जीरो लिखना है, प्लस g ऑफ t, यहाँ से g ऑफ t की वैल्यू क्या मिलेगी, ये u ऑफ जीरो t की वैल्यू मैंने लिख दी है वन प्लस cos t यहाँ से, और f ऑफ जीरो प्लस g ऑफ t की वैल्यू मिलेगी वन प्लस cos t माइनस f ऑफ जीरो। अब ये वैल्यू g ऑफ t की हम इक्वेशन वन में पुट करते हैं, हमारे पास क्या रिलेशन बनते हैं, यू ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू एक्स एक्सपोनेंशियल टी प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस कॉस टी माइनस एफ ऑफ जीरो, इसका इक्वेशन नंबर टू नाम लिख दिया। अब ये देखें अभी भी एक आर्बिट्रेरी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इन्वॉल्व है तो इसको भी हम एलिमिनेट करते हैं अब दूसरी कंडीशन यूज करते हुए, यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू टू, यानी उसमें जस्ट टी की जगह हमने जीरो करना है इस इक्वेशन टू में, ये एक्स एक्सपोनेंशियल जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस कॉस टी की जगह जीरो पुट करना है माइनस एफ ऑफ जीरो, इसका आंसर गिवन है कि टू के इक्वल है एक्स एक्सपोनेंशियल जीरो, एक्सपोनेंशियल जीरो वन होगा, इसका आंसर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस वन कॉस जीरो भी वन माइनस एफ ऑफ जीरो, ये वन प्लस वन टू, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे बचेगा जीरो एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे ये लेफ्ट पे जाकर प्लस की हो जाएगी टर्म और ये एक्स लेफ्ट पे जाकर माइनस का होगा, इसको मैंने लिख दिया एफ ऑफ जीरो माइनस एक्स, पुटिंग वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे इक्वेशन टू में पुट करते हैं, एक्स एक्सपोनेंशियल टी प्लस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये मैंने पुट कर दी एफ ऑफ जीरो माइनस एक्स प्लस वन प्लस कॉस टी माइनस एफ ऑफ जीरो, अब ये नेगेटिव एफ ऑफ जीरो और ये प्लस एफ ऑफ जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स एक्सपोनेंशियल टी माइनस एक्स, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले ली, एक्सपोनेंशियल टी माइनस वन प्लस कॉस टी प्लस वन, तो ये क्या है, ये रिक्वायर्ड आंसर है। अब यहाँ पे ये क्या है कि ये एक यूनिक सोल्यूशन है, यानी इसमें आर्बिट्रेरी फंक्शन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, वो हमने बाउंड्री कंडीशन यूज करते हुए इलिमिनेट कर, तो जब बाउंड्री कंडीशन या इनिशियल कंडीशन गिवन होंगी तो वो उससे क्या हम करेंगे, जस्ट आर्बिट्रेरी फंक्शन को इन्वॉल्व करेंगे टू अबटेन अ यूनिक सोल्यूशन।